आजकल अधिकतर लोग मोबाइल, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर काम करते हुए देखे जा सकते हैं। सही स्थिति में न बैठना एक दिन समस्या का कारण बन जाता है। इसी कारण से मस्तिष्क, गर्दन और पीठ दर्द जैसी समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं। जी हाँ, समस्या का यदि समय पर निदान नहीं किया गया तो रोग विकराल रूप धारण कर लेता है। अजय शर्मा ने बताया कि योग में ग्रीवा शक्ति विकासक आसन एक ऐसा आसन है जिसके द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और सर्वाइकल जैसी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इस आसन की 3 योग क्रियाएं हैं जिन्हें बारी बारी से 7 से 10 बार जरूर करना चाहिए, लेकिन यदि ज्यादा दर्द है तो धीरे धीरे इन क्रियाओं को करें। यदि 2 सप्ताह तक इस आसन को किया जाए तो समस्या से काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। इस आसन को सभी उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं, इसलिए इस आसन का अभ्यास जरूर करें। सभी को फिर नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे और जिसकी योगिक क्रियाएं करेंगे वो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इस समस्या से आज हर कोई जो है वो ग्रस्त है, तो कैसे अपने आप को ठीक रखना है और किस तरह से इस बीमारी से बाहर निकलना है वो है सबसे पहले मेरे साथ। आप इन योगिक क्रियाओं को करेंगे तो मैं उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे कहाँ कहाँ दर्द रहती है। हमारे यहाँ पे इस भाग में जो हमारे कंधे हैं ये लॉक हो जाते हैं, हमारी गर्दन यहाँ से दर्द करना लगती है, हम इधर उधर नहीं देख सकते, समस्या आ जाती है। दूसरी बात हमें ये होती है, अगर ज्यादा हमें इसकी प्रॉब्लम है तो हमारे सर दर्द होता है, माइग्रेन्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है इस तरह से। और बहुत ज्यादा अगर इसका ज्यादा रूप अगर आप इससे ग्रस्त हैं इस सर्वाइकल की समस्या से, तो ये समस्या जो है वो हमारे इस बाजू की तरफ को बढ़ने लगती है और बाजू में जो है वो सुन्नपन जैसा आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए योग में कुछ एक योगिक क्रियाएं हैं, उनको कैसे करना है आइए मेरे साथ उनको करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से हाथ वज्रासन में बैठ करके हाथों को अपने स्थायी पाठ पर रखेंगे और फिर थोड़ा सा अपने कंधों को पीछे की तरफ को ऐसे इसको रोटेट करेंगे। इसको धीरे धीरे करते जाएं, सांस भरें, सांस छोड़ें, 5 से 7 बार ऐसे। फिर इसको उल्टे क्रम में करना, इसको भी 5 से 7 बार अगर हम करते हैं तो अगर वो पीछे को और आगे को, फिर सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। उसके पश्चात फिर हाथों को लिया, आपने दाएं हाथ को लिया, उसको रोटेट किया ऐसे, 1 2 3, फिर उल्टे क्रम में 1 धीरे धीरे 2 3, फिर दूसरे से किया 1 2 3, फिर उल्टे क्रम में 1 2 3, फिर दोनों हाथों को आपने अपने कंधों पर रखा और इसको अपने जो हमारे यहां पे नीज इनको अपने आपसे मिला दिया। फिर इसको धीरे धीरे सांस भरते हुए 1 2 3 4 इस तरह से, फिर इस उल्टे क्रम में 1। आप स्ट्रेस नहीं डालेंगे धीरे धीरे, क्योंकि ये समस्या जो है वो धीरे धीरे ठीक होगी, इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। उसके पश्चात आगे जो हमने करना है वैसे टर्न 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2। इसमें आपने गर्दन को नीचे नहीं लाना है, ऐसे लाना है, यहां तक आपने स्ट्रेट रखना है इसको ऐसे 1 2
थ्री इस तरीके से करेंगे, उसके पश्चात फिर अपने हाथ को यहां पे रखना है और दूसरे हाथ को आपने यहां पे, बस कान के साथ वन सांस भरते हुए टू थ्री, फिर इस यही पर दिया दूसरे हाथ से ऐसे वन टू थ्री, फिर थोड़ा वन टू थ्री इस तरीके से इसको करेंगे। उसके पश्चात फिर हाथों को लिया आपने इस तरह से टाइप किया और ऐसे पीछे रखा और धीरे धीरे पीछे की तरफ आस्ता आस्ता स्ट्रेच डालना है ऐसे, इस तरीके से करते जाएं, बहुत इसका लाभ मिलेगा। खास विशेष बात यह है कि अगर इस इन जितनी भी योगी क्रियाएं हैं इनको अगर रोजा ना करें, कम से कम 2 हफ्ते तक करें, तो इसका जो लाभ है वो तुरंत इसका मिल जाता है। और रात को जब आप सोते हैं तो तकिए का यूज करते हैं, उसका आप बंद कर दीजिए, तकिया बिल्कुल मत यूज कीजिए। आप 2 हफ्ते इसको करके देखिए, आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। तो सर्वाइकल की समस्या से हम निजात पा सकते हैं। सबके नमस्कार। पीआर टीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।